हाय, फिल्म फाइंडिंग्स में आपका स्वागत है। आज मैं 2018 में रिलीज हुई द विलेजर्स नाम की एक कोरियन थ्रिलर फिल्म की के बारे में बताने जा रहा हूँ। स्पॉइलर अहेड, हम हान सुयान नाम की एक हाई स्कूल की लड़की को आधी रात में एक पुल पर चलते हुए देखते हैं। वह घबरा जाती है और किसी के साथ कार में बैठ जाती है और कार चल पड़ती है। दूसरी ओर मिड एज बॉक्सिंग कोच जी चुल, जो एक ट्रॉफी के साथ एक रेस्तरां में जाता है जिसे उसके स्टूडेंट को एक मैच में सेकंड आने के लिए दिया गया था। ये पता चला है कि वह प्रतियोगिता जीतने वाला था, लेकिन एक करप्ट अफसर ने ओपोनेंट को पैसे के लिए जीत दिलाई। जी चोल गुस्सेल स्वभाव के हैं। वह बर्दाश्त नहीं करता है जब लोग उसके स्टूडेंट्स के साथ अन्याय करते हैं। जब अफसर उसके साथ बहस करने की कोशिश करता है तो वह उसे एक मुक्का मारता है और उसे बेहोश कर देता है। हालांकि वह आदमी बॉक्सिंग एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट निकला, जिसके पास जी चोल को कोचिंग से बैन करने की पावर है। जी चोल की बहन गुस्से में है क्योंकि यह पहली बार नहीं है जब उसे लड़ाई के लिए किसी संगठन से बाहर निकाला गया है। कुछ तार खींचने के बाद वह उसे एक गांव के स्कूल में एक जिम टीचर के रूप में नौकरी दिलाती है। अगले सीन में वह गांव की ओर गाड़ी चला रहा होता है जब कार का टायर पंचर हो जाता है। तो ट्रक के आने का इंतजार करते हुए उसने नोटिस बोर्ड पर एक लापता लड़की का पोस्ट देखा। तस्वीर में दिख रही लड़की हाई स्कूल की सुयान है, जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। इस पर किसी ने गायब होने का मजाक उड़ाते हुए मैसेज लिखा है। जी चोल को लगता है कि यह गलत और घिनौना है और उसे मिटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे और खराब कर देता है। कस्बे में पहुंचने पर वह हाई स्कूल की तीन लड़कियों को किसी को धमकाते हुए देखता है। जिसे वो परेशान कर रहे थे वो यूजिन है, जो लापता लड़की की सबसे अच्छी दोस्त है, जो पोस्टरों पर चित्र बनाने के लिए उन पर गुस्सा है। जब वह उनका सामना करती है तो वो लड़कियां उसे बोलती हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं किया, पर वे नहीं चाहते कि सुजून वापस आए। जी चोल उन्हें अलग करने की कोशिश करता है, लेकिन लड़कियां बदले में उसे अपने काम से काम रखने के लिए कहती हैं। उसके बाद वह अपने पुराने बॉक्सिंग स्टूडेंट जो कि एक पुलिस अफसर है डोंग सू से मिलता है। वह गांव में जी चोल का स्वागत करता है और उसे गांव के बारे में बताता है। फिर हम देखते हैं कि यूजिन सुयोन के घर उसके दादी से मिलने जाती है। ये पता चला है कि सुयोन के परिवार में सिर्फ उसकी दादी है जो उसके लापता होने से परेशान है। वह और यूजिन भी सुयान को खोजने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं, जबकि पुलिस के इस पर मुश्किल से काम कर रही है। यूजिन छत पर जाती है और सुयान के साथ अपने समय को याद करती है। उसे अचानक याद आता है कि सुयान एक क्लब में पार्ट टाइम काम करती थी। कुछ खोजबीन करने पर उसे क्लब का कार्ड मिल जाता है और वह वहां जाकर कुछ ढूंढने का फैसला करती है। अगले दिन जी चोल का काम पर पहला दिन है। प्रिंसिपल ने उसे उसके कोलीग से मिलवाया और उसे जी सेहोंग नाम के आर्ट टीचर के पास जगह दी। जिम शिक्षक होने के साथ साथ स्टूडेंट्स के डीन के रूप में भी उसे अपॉइंट किया गया है। प्रिंसिपल ने उसे छात्रों से लंच फीस लेने का काम सौंपा। लंच ब्रेक के दौरान जी चोल ने उनसे पैसे मांगे, लेकिन लड़कियों में से कोई भी ऐसा करने के लिए उसकी बात नहीं सुन रही थी। वह रास्ते में यूजिन को पाता है, लेकिन वह भी उसे मना कर देती है। थोड़ी देर बाद जी चोल ने उसे दीवार से कूदते हुए और स्कूल से भागते हुए नोटिस किया। वह उसके पीछे मार्केट तक जाता है, लेकिन क्लॉ मशीन से अपना ध्यान भटका लेता है। अपनी लाइफ में पहली बार जी चोल एक स्टफ टॉय जीतता है और बहुत खुश होता है। कहीं और यूजिन मिस्टर किम नाम के एक शक्तिशाली राजनेता के लिए एक इलेक्शन कैंपेन देखती है। ज्यादातर लोग यह नहीं जानते कि वह एक भ्रष्ट और दुष्ट व्यक्ति है। वह कैंपेन को इग्नोर करती है और उस क्लब में जाती है जहां सुयान काम करती थी। वह आसपास के लोगों से पूछती है कि क्या उन्होंने सुयान को देखा है, लेकिन कोई धन का जवाब नहीं मिला। क्लब के मालिक उसे बाहर निकलने की धमकी देते हैं और जब जी चोल आता है और उसे बचाते हैं, वह उसे मामले से बाहर रहने की सलाह भी देता है क्योंकि पुलिस इस पर काम कर रही होगी। उस रात बाद में वह उसे घर पर छोड़ देता है और वापस अपने अपार्टमेंट में लौट आता है। जब यूजिन अकेली होती है तो एक अजनबी उसका पीछा करता है और उसका अपहरण करने की कोशिश करता है। कार में जी चोल ने नोटिस किया कि उसने अपना सेलफोन कार में छोड़ दिया है और उसे वापस करने के लिए वापस जाता है। वह वहां पहुंचता है, किडनैपर ये देखकर भाग जाता है कि वह पकड़ा जाने वाला है। जी चोल यूजिन को हॉस्पिटल लाता है और पुलिस को कंप्लेंट करता है। हालांकि जब पुलिस चीफ को बताया गया कि यूजिन सुयान की दोस्त है, तो वह केस को बंद करने की कोशिश करता है। ये लगभग वैसा ही है जैसे वह सुयान के लापता होने के बारे में कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा हो। बाद में जी चोल ने सुयान के मामले के बारे में अपने पुलिस मित्र डोंग सू से बात की और पता चला कि पुलिस ने अभी तक इसे ऑफिशियली रूप से फाइल नहीं किया है। उन्हें लगता है कि वह एक भगोड़ी है जो जिम्मेदारियों से बचने के लिए किसी शहर भाग गई। जी चोल जानता है कि यह सच नहीं हो सकता है और यह पता लगाना उसका मिशन है कि सुयान को वास्तव में क्या हुआ था। वह उसके घर जाता है और उसकी दादी से मिलता है। यदि वह पुलिस स्टेशन को एक फॉर्मल लेटर लिखती है और कंसेंट फॉर्म पर सिग्नेचर करती है, तो पुलिस के पास लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। प्लान काम करता है और डॉन सू उनके लिए केस फाइल करता है।
डी चोल स्कूल के आसपास के मामले के बारे में कुछ खोजबीन करता है। एक टीचर ने बताया कि सुयोन उनके पास अब तक की सबसे खराब स्टूडेंट थी। वह आधे साल एब्सेंट रहती थी और उसे पागल समझा जाता था। टीचर उसे बोलती है कि वह अपनी भलाई के लिए उसके मामले से बाहर रहे। यूजीन उन्हें सुयोन के बारे में बात करते हुए सुनती है और गुस्से में है। वह जी चोल को एक तरफ खींचती है, जोर देकर कहती है कि सुयोन के लापता होने के असली कारण को छिपाने के लिए हर कोई उसे झूठ बोल रहा है। जी चोल को नहीं पता कि कौन सच बोल रहा है। जाने से पहले यूजीन उससे पूछती है कि अगर सुयोन उसकी बेटी होती तो वह क्या करता। ये प्रश्न उसकी सोच को क्लियर करता है, जिससे वह ये दर्ज करता है कि भले ही सुयोन भगोड़ी हो, उसे ढूंढना होगा। उसके बाद जी चोल को बाथरूम में धूम्रपान करने वाली लड़कियों का एक ग्रुप मिलता है। वह सिगरेट के पैकेटों के लिए चारों ओर देखता है, लेकिन बदले में एक छिपा हुआ कैमरा पाता है। वह तुरंत प्रिंसिपल के पास जाता है और उन्हें इसके बारे में बताता है। प्रिंसिपल उसे बात करने का मौका नहीं देते हैं और चाहते हैं कि वह सुयोन के केस से बाहर रहे। ये सब सुन के जी चोल उन्हें कैमरे के बारे में नहीं बताना चाहते, इसलिए वह उसे वापस लाता है और उसकी रिकॉर्डिंग को खुद देखता है। ये पता चला है कि कैमरा आर्ट टीचर जीसून द्वारा सेट किया गया था, जो उसके डेस्क के ठीक पास बैठता है। जी चोल उसे ऐसी हरकत करने के लिए बुलाने जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वह पहले ही घर जा चुका है। मौका पाकर वह जीसून के लैपटॉप को देखता है और अपने और सुयोन के बीच टेक्स्ट मैसेज देखकर हैरान रह जाता है। जिस रात वह लापता हुई थी, उसने उसे पुल से लेने के लिए मैसेज किया था। जाहिर है कि वह इसके बारे में कुछ जानता है। जी चोल ने तुरंत अपने पुलिस दोस्त को फोन किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। फिर वह यूजीन को फोन करता है और उससे पूछता है कि वह कहाँ है। वह जीसून के साथ एक कार में निकली, जो उसे उसके घर छोड़ देगा कहकर उसे ले जाता है। जी चोल चुपके से उसे जीसून के बारे में मिली हर बात बताता है और उसे सावधान रहने के लिए कहता है। वह चतुराई से जीसून को बताती है कि वे कहाँ जा रहे हैं और जी चोल को उस जगह का लोकेशन भेजती है ताकि वह उसे आसानी से ढूंढ सके। फिर उसने नोटिस किया कि जीसून की किचन वैसी ही दिखती है जैसी सुयोन की होती थी। वह उससे उसके बारे में पूछती है, लेकिन उसे एक मुक्का मारा जाता है। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वह उसके बेडरूम के फर्श पर बंधी हुई थी। वह देखती है कि जीसेहुंग के पास अलमारी में सुयोन का फोन है। इससे पहले कि वह उसे कोई नुकसान पहुंचा पाता, जी चोल आ जाता है और जबरदस्ती घर में घुस जाता है। जीसून उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फॉर्मर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियन के खिलाफ कुछ नहीं कर पाता है। वो उसको एक पंच मार के फर्श पर गिरा देता है, फिर उसे बांध दिया जाता है। वह जी चोल से विनती करता है कि वह उसकी रिपोर्ट न करे क्योंकि उसका करियर खत्म हो जाएगा, लेकिन जी चोल को परवाह नहीं है। वह जीसून से सुयोन के बारे में पूछता है, लेकिन वह उसके लापता होने के बारे में कुछ नहीं जानने का दावा करता है। उसके अनुसार उस रात सुयोन ने उसे क्लब से लेने के लिए बुलाया था। वह उसे घर ले जा रहा था जब उसे किसी और का फोन आया और उसने गैस पंप पर छोड़ने के लिए कहा। उसने कहा कि कोई और उसे लेने आ रहा है, इसलिए जीसून बिना ज्यादा सोचे समझे घर चला गया। कुछ मिनट बाद वह रात में एक लड़की को अकेला छोड़ने में अजीब महसूस कर रहा था, लेकिन जब वह उसे लेने के लिए लौटा तो वह पहले से ही गायब थी। उसने उसका फोन सड़क पर पाया और उसे रख दिया। इसके अलावा वह कुछ भी नहीं जानता, ऐसा बोलता है। जल्द ही जीसेहुंग को उनके दुर्व्यवहार के लिए जेल में डाल दिया गया, लेकिन पुलिस चीफ अभी भी यह मानने से इनकार करते हैं कि सुयोन का अपहरण कर लिया गया था। भले ही जी चोल ने जोर देकर कहा कि उन्हें मामले पर कड़ी मेहनत करनी चाहिए, वह बातचीत को रोक देता है। जी चोल के जाने के बाद हम चीफ को किसी को फोन करते हुए और सावधान रहने के लिए कहते हुए देखते हैं। इससे साबित होता है कि अपहरण में कोई और शामिल है और चीफ उनकी मदद कर रहा है। स्कूल में प्रिंसिपल जी चोल को अपने कार्यालय में बुलाता है और सुयोन के मामले में बहुत अधिक रुचि लेने के लिए उसे निकाल देता है। जी चोल के लिए ये स्पष्ट है कि गांव में हर कोई यह छिपाने की कोशिश कर रहा है कि उसके साथ क्या हुआ। इससे पहले कि वह अगले कदम के बारे में सोच पाता, उसका पुलिस मित्र डोंगसू उसे तुरंत एक स्थान पर बुलाता है। पहुंचने पर जी चोल देखता है कि सुयोन की लाश को एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है। यूजीन अपनी सबसे प्यारी दोस्त की मौत पर रो पड़ी। जी चोल को लगता है कि हत्यारे यूजीन को भी निशाना बना रहे होंगे क्योंकि वह इस समय उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है। वे बीमार सुयोन की दादी से मिलने अस्पताल जाते हैं। उसकी हालत तब और खराब हो जाती है जब उसे अपनी पोती की मौत की खबर मिलती है। कहीं और डोंगसू अपने सीनियर को बात करते हुए सुनता है और पता चलता है कि चीफ मामले को छुपाने के लिए किसी से पैसे ले रहा है। वह अपनी खुद की जांच करने का फैसला करता है और सुयोन का फोन चुरा लेता है जो पहले मिला था। फोन को ठीक करने और मैसेजों को देखने के बाद वह देखता है कि सुयोन एक क्लब की एक औरत से बात करती थी जिसका नाम इसुल है। वह जी चोल को महिला के बारे में सूचित करता है, लेकिन कॉल के ठीक बाद कोई उसे पीछे से मारता है। जी चोल फिर बार में जाता है और महिला से मिलता है। जोर देने पर उसने बताया कि सुयोन क्लब में पार्ट टाइम सिंगर हुआ करती थी। जिस रात वह गायब हुई, उस समय पॉलिटिशियन मिस्टर किम, बार के प्रेसिडेंट और पुलिस इंस्पेक्टर क्लब में इकट्ठा हुए थे जब वह परफॉर्म कर रही थी और उसे अस्पताल से फोन आया कि उसकी दादी बीमार हैं। उसने प्रेसिडेंट से अनुमति मांगी, लेकिन वह उसके साथ गलत हरकतें करने लगा। तभी बार के मालिक द्वारा पीछा किए जाने पर वह भाग गई। इसुल को नहीं पता कि उसके बाद उसके साथ क्या हुआ।
बार मालिक और उसके आदमी जीचोल पर हमला करते हैं, लेकिन वह उन सभी से आसानी से निपट लेता है। जब केवल मालिक ही रह जाता है तो वह उस आदमी से पूछता है कि उसने सुयान को क्यों मारा। डरा हुआ आदमी मानता है कि उस रात उसने सुयान का पीछा किया था, लेकिन वह उसकी मौत के लिए जिम्मेदार नहीं था। वास्तव में उसको वो एक पब्लिक टॉयलेट में गला घोंटकर मारा गया था। जिस व्यक्ति ने उसे मारा वह कोई और नहीं बल्कि जी सेउंग था। वह मिस्टर किम का बेटा है और अपने पिता के इन्फ्लुएंस के कारण किसी से नहीं डरता। वह सुयान से प्यार करता था और जब उसने उसके आगे बढ़ने से इनकार किया तो उसने उसे मार डाला। ये पता चलने के बाद गुस्से में जी चुल ने डोंग सू को फोन किया और पता चला कि जी सेउंग को पहले ही पुलिस स्टेशन से रिहा कर दिया गया है। इसका मतलब यूजीन की जान भी खतरे में है। जब वह अपना फोन नहीं उठाती है तो वह तुरंत जी सेउंग के घर जाता है। कहीं और जी सेउंग यूजीन को ढूंढता है और उसे दूसरे स्थान पर अपहरण कर लेता है, लेकिन उसके पिता के घर आने पर रुक जाता है। वह नहीं चाहता कि उसके पिता को पता चले कि उसने यूजीन को किडनैप कर लिया है और मिस्टर किम के आने से पहले उसे एक अलमारी में बंद कर देता है। मिस्टर किम अपने बेटे के कारण हुई सभी समस्याओं से गुस्से में है। वह जी सेउंग को अमेरिका जाने और कभी वापस नहीं आने को बोलता है। बदले में जी सेउंग ने उस पर सुयान की हत्या का आरोप लगाया। तब पता चला कि किम को उस मैटर की देखभाल के लिए पब्लिक टॉयलेट में बुलाया गया था, लेकिन उसे पता चला कि सुयान अभी भी जीवित है। अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए उसने उसे खत्म कर दिया जो उसके बेटे ने शुरू किया था। उसके जाने के बाद यूजीन जी सेउंग पर हमला करती है और बाहर भागने में सफल हो जाती है, लेकिन उसे पकड़ने में देर नहीं लगती। वह उसे मारने से कुछ सेकंड दूर है जब जी चोल अंदर आता है और उस पर हमला करता है। उसे बुरी तरह पीटने के बाद वह यूजीन को अस्पताल लाता है क्योंकि वह गंभीर रूप से घायल हो गई है। दूसरी ओर मिस्टर किम चुनाव जीत जाते हैं और शहर के गवर्नर के रूप में चुने जाते हैं। वह अब पहले से ज्यादा मजबूत है। जी चोल टीवी पर समाचार देखता है और गुस्से से भर जाता है। वह अपनी कार को हाईवे पर ले जाता है और उस कार को टक्कर मारता है जिसमें मिस्टर किम बैठा है। ड्राइवर को पीटने के बाद वह उस राजनेता के पास जाता है जो अब तक डर से कांप रहा था। वह जी चोल को डराने की कोशिश करता है, उससे पूछता है कि क्या वह जानता है कि वह कौन है, लेकिन जी चोल उसकी कोई परवाह नहीं करता। अगली सुबह किम और पुलिस इंस्पेक्टर के बारे में सच्चाई नेशनल न्यूज में आ जाती है। उन्हें सुयान की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अंतिम दृश्य में जी चोल अस्पताल में यूजीन से मिलने जाता है और उसके लिए स्टफ टॉय छोड़ देता है जिसे उसने क्लॉ मशीन में जीता था। वह फिर एक नया जीवन शुरू करने की उम्मीद में दूसरे शहर चला जाता है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और हमारी मदद करने के लिए लाइक बटन दबाएं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी पसंदीदा फिल्म का वीडियो लाए तो उसका नाम कमेंट करें।